सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे चीपेस्ट PSP के बारे में, और जिसका कि बॉक्स है मेरे पास यहाँ पे, ये रहा, देख सकते हो आप। तो भाई, इसको मैंने परचेज़ किया था गफ्फार मार्केट से, दिल्ली की गफ्फार मार्केट से, काफ़ी टाइम पहले। तो भाई, इसके पहले सबसे पहले बॉक्स कॉन्टेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पे ही मैंशन है, आपको लिखा हुआ है 10,000 बिल्ट इन गेम्स, मतलब कि इसके हिसाब से इसमें 10,000 से ज़्यादा गेम्स इनबिल्ड हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में FM 8GB RAM, अबे साले, मतलब कि इसके अंदर FM के साथ साथ 8GB इंटरनल स्टोरेज है, जो कि मेरे हिसाब से 8GB इंटरनल स्टोरेज इसमें नहीं है। ओके, और साइड में यहाँ पे मेंशन है कि ये दो कलर्स में आता है, ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक मेरे पास है और वाइट यहाँ पे बॉक्स पर मेंशन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, बात करते हैं अब मेन कंटेंट, जो कि मैंने यहाँ पे अनबॉक्स को कर रखा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू डिटेल में। सो गाइस, फाइनली ये रहा हमारा प्रोडक्ट, जो कि है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोनी PSP मेड इन जापान। हालांकि गाइस, ये सोनी का प्रोडक्ट नहीं है, ये बस एक कॉपी है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसके फिजिकल अपीयरेंस की। तो देखिए, यहाँ पे आपको चार एरो कीज दी हुई हैं, यहाँ पे चार एक्शन बटन्स हैं, यहाँ पे मूवमेंट की है, और यहाँ पे है स्टार्ट, सेलेक्ट एंड वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन बटन, ठीक है। और इस ऊपर इसमें दो ट्रिगर्स दिए हुए हैं, जिनका यूज़ करके आप आराम से गेम्स खेल सकते हो। और बैक साइड में देखें तो गाइस, यहाँ पे आपको एक कैमरा भी देखने को मिल जाता है। हालांकि गाइस, कैमरे का कुछ खास यूज़ नहीं है, इसकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो ऊपर की साइड देखें गाइस, तो यहाँ पे देखिए AV आउट का बटन, मतलब AV आउट पोर्ट दिया हुआ है, जिससे कि आप TV में भी गेम्स खेल सकते हो इसकी मदद से। और एक है USB पोर्ट, एक है यहाँ पे हेडफोन पोर्ट, जो जिसमें कि आप मतलब हेडफोन लगाकर आराम से गेम एंजॉय कर पाओगे। और एक है यहाँ पे माइक, है ना। और यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ है एक और चीज़, जो कि है SD कार्ड स्लॉट, जिसमें कि आप SD कार्ड इंसर्ट करके आप अपने मनचाहे गेम्स इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना, इसमें जो है NES फाइल्स वाले गेम्स चलते हैं, तो nesfiles.com पर जाकर आपको जो है गेम्स डाउनलोड कर लेने हैं उस SD कार्ड में, और SD कार्ड को इसमें सिंपली इंसर्ट करना है वो, एंड आप उन गेम्स को इसमें जो है एंजॉय कर पाओगे। सो गाइस, चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैंने जो है यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट लगा दिया है, अभी ये चार्ज नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हेलो लिखा हुआ आ गया है, एंड यहाँ पे एक है ब्लू लाइट, एक है रेड लाइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, फाइनली ये जो है स्टार्ट हो चुका है, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चार्ज एंड प्ले, हम इसको ओके कर देते हैं। सो इस तरीके से इसमें आ रहा है इंटरफेस इसका। ऊपर यहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स आपको देखने को मिलेंगे, और नीचे यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस हमको दिए हुए हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है गेम्स का, दूसरा है म्यूज़िक का, एंड गाइस आप यहाँ पे गेम्स के अलावा म्यूज़िक भी एंजॉय कर पाओगे। यहाँ पे फोटोज़ भी हैं, जिसमें कि आप फोटोज़ क्लिक भी कर पाओगे, यहाँ पे देख भी पाओगे, एंड सिनेमा का ऑप्शन भी है, वीडियोज़ वगैरह आप देख सकते हो इसमें, जो कि ठीक ठाक क्वालिटी में चल जाती हैं, कुछ खास नहीं। कैमरा की बात करें तो यहाँ पे भाई कैमरा इसमें 10 मेगापिक्सल का लिखा हुआ है, बट मुझे नहीं लगता वो 10 मेगापिक्सल का है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। उसके बाद यहाँ पे है FM रेडियो, आप FM रेडियो भी इसमें एंजॉय कर सकते हो। दूसरा है यहाँ पे टूल्स, तो भाई टूल्स में बात करें तो आपको यहाँ पे कैलकुलेटर, कैलेंडर, स्टॉप वॉच, रिकॉर्डर देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर आपको ब्राउज फीचर्स, जैसे कि फ़ोन में होते हैं ना फाइल मैनेजर, उसी तरीके से यहाँ पे भी फाइल मैनेजर टाइप है ये, जिसमें कि मैंने काफ़ी सारे गेम्स को जो है इंस्टॉल कर रखा है, और यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस को भी यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद गाइज, अब बात करते हैं इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे है कुछ सेटिंग्स, जैसे कि इफ़ेक्ट सेटिंग्स, तो यहाँ पर आप इस तरीके से अपने हिसाब से जो है सेटिंग्स को सेट कर पाओगे, ठीक है। इससे हमको कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं। डिस्प्ले की बात करते हैं गाइज, तो यहाँ पर आप ब्राइटनेस को मैनेज कर पाओगे, जो कि मैंने अभी यहाँ पर फुल की हुई है, ठीक है। तो इसकी 5 जो है फुल ब्राइटनेस है। अब बैक करते हैं, एंड गाइज फाइनली आपको यहाँ पे सबसे पहले एक गेम चलाकर मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले जो हम सभी ने खेला हुआ है बचपन में, और वो है सुपर मारियो। तो चलिए सबसे पहले इसी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया है प्लीज़ वेट, देन यहाँ पे है रीस्टार्ट का बटन। तो भाई आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे करते हैं इसको स्टार्ट। तो भाई वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा तेज है इसकी, और हमारा जो गेम है वो फाइनल चल चुका है। सो गाइस, आप सभी ने जहाँ तक उम्मीद है ये वाला गेम खेला होगा, सुपर मारियो वाला। आपने खेला है या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना लिखकर। तो देखिए, ये वाला है कॉन्ट्रा मेरे पास, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं।
और हाँ इसमें तो भाई एक ही प्लेयर खेल सकता है, दो प्लेयर का तो कोई यूज़ है नहीं इसमें। तो भाई यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है हमारा गेम। अब गाइस अब हम जाते हैं इसके गेम्स सेक्शन में। देखिए यहाँ पे इसका गेम सेक्शन, इसमें हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक है क्लासिक गेम और एक है गेम्स ऑन डिमांड। तो सबसे पहले ओपन करते हैं हम क्लासिक गेम्स को। तो भाई यहाँ पे आपको काफ़ी सारे गेम्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए इसमें काफ़ी सारे गेम्स हैं, जैसे कि अभी मैं चल रहा हूँ 188 नंबर पर, और यहाँ पर आपको बहुत ही सारे गेम्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम बैक करें, देखिए गेम्स ऑन डिमांड में मैंने यहाँ पे गेम्स ऑलरेडी, जैसे एसडी कार्ड से मैंने आपको बताया था, एसडी कार्ड में डाल कर मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स को इंस्टॉल कर रखा है एनईएस फाइल से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे गेम्स मैंने, बहुत ही सारे गेम्स इसमें डाउनलोड कर रखे हैं। बट गाइज जो गेम्स इसमें चलेंगे वो क्लासिक वाले ही चलेंगे। क्लासिक वाले मीन्स जो पुराने ज़माने के होते थे, सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, वो वाले। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसमें GTA वाइस सिटी, GTA 5 और इस टाइप्स के गेम्स इसमें चल जाएंगे, तो भाई वो वाले गेम्स इसमें नहीं चल सकते। सो गाइस कुछ ऐसा था हमारा चीपेस्ट PSP। चीपेस्ट मैं इसको किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई इसका जो प्राइस था वो था सिर्फ 1500 रुपीज़, यानी कि सिर्फ 1500 रुपये में मैंने ये दिल्ली गफ्फार मार्केट से परचेज़ किया था। और अभी भी ये सही, आपको ये कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ गाइस, तो देखिए ये एक लोकल सा आइटम है, अगर इसकी आप ज़्यादा केयर करोगे तो ये लंबे समय तक चल भी जाए। और हालांकि ये लंबे समय तक चलने वाली चीज़ नहीं है, हालांकि अभी ये थोड़ा सा लैगिंग इश्यूज देखने को मिल रहे हैं इसमें। ये गेम खेलते खेलते ही हैंग हो जाता है और फिर इसको रीस्टार्ट करना पड़ता है, जितना भी गेम में प्रोग्रेस की होती है वो सारी वेस्ट हो जाती है। सो बस यही थी आज की वीडियो गाइज, आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइज, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।